हेलो एवरीवन, जाट ऑन व्हील्स में एक बार फिर आपका नए ब्लॉग में स्वागत है। और आज हम हैं हुंदर में और ये है नुब्रा वैली और अब हम चल रहे हैं अपना मनाली की तरफ। और सुबह के 6 बज चुके हैं और जल्दी जाने का कारण है क्योंकि हम काफ़ी दूर हैं, मतलब कि ले पहुंचने में भी हमें 4-5 घंटे लगने हैं, उसके बाद फिर मनाली की तरफ निकलना है। तो सरचू तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे आज और ज़्यादा ब्रेक, कम से कम ब्रेक लेंगे, पेट्रोल ब्रेक लेना पड़ेगा 2 बार क्योंकि अभी 2 पॉइंट कम है मेरे, तो ले में जाके पेट्रोल डलवाएंगे, यही प्रोग्राम है। और ये है ओरिएंटल होम स्टे, काफ़ी अच्छा है और चलते हैं। बस मैं तो रेडी हूँ, मेरी बाइक बिल्कुल पीछे रेडी खड़ी है, आ गई। हाँ, ये मेरी बाइक पीछे रेडी खड़ी है, भाई बस पैकिंग कर रहा है, बस निकलते हैं अब। तो भाई हम निकल पड़े हैं ओरिएंटल होम स्टे, द ओरिएंटल, और सुबह के 6:20 हो गए निकलते निकलते, 6 बजे हमने सोचा था, तो इतना समय तो लगता ही है। 5 बजे उठ गए थे पूरे 5:05 पे और नहा धो के, नहाए तो नहीं लेकिन सारे काम करके अब नहा निकल पड़े हैं। गाइस ये देखिए सैंड ड्यून्स, एक बार फिर देख लीजिए, कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है नुब्रा वैली को, स्पेशल लोग सिर्फ ये सैंड ड्यून्स को देखने आते हैं यहाँ पे, और यहीं पे मिलता है आपको सैंड ड्यून सारा। और यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कैमल राइड, डबल हम्प कैमल राइड, आरटीबी राइड और भी आर्चरीज वगैरह बहुत कुछ होने लग गया अब यहाँ पे एक्टिविटीज़। लेकिन बेस्ट ये है कि आप आगे नेचर का मज़ा लेना चाहते हैं तो आगे त्याक्षी जाएं, तुरतुक जाएं, वहाँ का नेचर बहुत ही शानदार है यार। ये है डिस्किट की मार्केट और ये सामने अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा बुद्धा जी का स्टैचू, ये बिल्कुल सामने, और आगे से एक रास्ता जाता है डिस्किट को और ऊपर चढ़ जाता है, और ये सामने है गौतम बुद्धा जी, शांति के प्रतीक, डिस्किट में बिल्कुल सामने पेट्रोल पंप। आप भी तो नहीं चाहिए, अपना ले में जाके डलवाएंगे। पेट्रोल पंप खुल गया डिस्किट में, एक वो टी पॉइंट अपना खलसर के टी पॉइंट पे है, एक यहाँ पे डिस्किट में। तो ये करंट सिचुएशन है डिस्किट से 1-2 किलोमीटर पहले से, और हमारा जो डाउन होता है पहाड़ उतरते हैं वहाँ तक, ये हाल है यहाँ पे, रोड का काम चल रहा है। अगर आप करंटली आ रहे हैं तो ये सिचुएशन देख लीजिए, और सुबह सुबह जल्दी निकलने में ये फ़ायदा है कि साला ट्रैफिक नहीं मिलता बिल्कुल, नहीं तो इतने धूल मिट्टी होती है इस रूट पे, जो भी बड़ी गाड़ियाँ धूल मिट्टी करती जाती हैं, और मैं जब हम आए तो इतना धूल मिट्टी और बार बार ट्रैफिक रुक रहा था, जाम लग रहा था, क्योंकि अभी भी काम चल रहा है तो ऐसे ही चलता है यहाँ पे। तो ये सामने रास्ता जा रहा है बिल्कुल खारदुंग को, वो लास्ट में दिखाई दे रहा है खारदुंग विलेज, और वहाँ से क्लाइम शुरू हो जाएगी खारदुंगला के लिए। ये देख लीजिए लद्दाख की माउंटेन, तो ऊपर माउंटेन पे देख लो कितने बादल आए हुए हैं, और खारदुंगला में भी यही हाल होने वाला है। अब नॉर्थ कुल्लू में पता नहीं रोक ना दे 1-2 घंटे के लिए, कि अभी मौसम क्लियर होने दो ऊपर, तो खारदुंग को तो हम क्रॉस कर रहे हैं, खारदुंग पहुँच गए हैं, अब रह गया है खारदुंगला को पार करना, यहाँ से पूरी क्लाइम शुरू हो जाएगी खारदुंगला के लिए। तो गाइस स्नोफॉल शुरू हो गई है बहुत तेज खारदुंगला में, तो हमें पता नहीं जाने दिया जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि स्नोफॉल चल रही है, स्नोफ्लेक्स आ रहे हैं बहुत तेज।
और यहाँ पे कोई अभी बैरिकेड में कोई पुलिस नहीं है, और लेकिन अभी एक व्हीकल आया था तो मैंने उससे बात करी थी, तो भाई कह रहा है कि यहाँ क्लियर है, जा सकते हैं, बाइक भी जा सकती है, तो थोड़ा रिलीफ मिला है। बस अब निकलते हैं सीधा काजुंगला पे, दो चार मिनट रुक के फोटो करके फिर अपना नीचे उतर जाएंगे। काजुंगला टॉप 15 किलोमीटर, 7 पुल्लू 29, और स्नो फ्लेक्स आ रहे हैं धीरे धीरे, छोटे छोटे, हल्की हल्की फुल्की स्नोफॉल हो रही है, और ठंड बहुत बढ़ रही है, हाथ सुन हो गए हैं। सिर्फ ये 2-3 किलोमीटर रह गया होगा। ये देखिए कितनी तेजी से स्नो फ्लेक्स आ रहे हैं। हम पहुंच गए हैं खरदुंगला टॉप पे, ये है खरदुंगला टॉप, बहुत तेज स्नो है। खरदुंगला पे पहुंच गए हैं और अब निकल रहे हैं। यहाँ पे 5-10 मिनट लग गए हमें फोटोग्राफी करते हुए। पूरा वाइट हो गया है खरदुंगला, स्नो हो रही है, बोला भी नहीं जा रहा, बहुत ठंड है, हाथ सुन हो रहे हैं। अब नीचे पहुंच जाएंगे फिर, तो नॉर्थ अब साउथ पुल आएगा 10-15 किलोमीटर बाद, वहाँ तो ठीक हो जाएगा। फिर चेक पोस्ट आ गया साउथ पुल्लू का, जाते समय पता नहीं एंट्री होती है नहीं होती, आते समय तो एंट्री करते हैं। तो लगभग हम ले पहुँच चुके हैं, 9 किलोमीटर दिखा रहा था अभी माइलस्टोन, और अब जाएंगे कारू की तरफ। कारू उपसी, उपसी से जो रास्ता कट जाएगा हमारे को मनाली के लिए, उपसी में वो है चेक पोस्ट है, वहाँ से जाने देंगे फिर। वो मेन गेट पे लेके ले सिटी, यहाँ से निकलते वैसे 1.5 किलोमीटर अभी सिटी के अंदर ही निकलना है सिटी से, और स्ट्रेट जाएंगे तो श्रीनगर वाला रूट आएगा, लेफ्ट जाएंगे तो अपना मनाली वाला रूट आएगा। तो गाइस हमारा ले टू ले का सर्किट पूरा हो गया है, हम वापसी आ गए हैं ले में, और ले से ही निकले थे पूरा सर्किट करने, जहाँ पे हमने सुमरेरी लेक किया, हल्ले किया, पेंगोंग किया, उमिंगला किया, दांचोक किया, नुब्रा वैली, तुरतुक, त्याक्षी, सब पूरा सर्किट करके हम वापसी आ गए हैं पेट्रोल पंप। दिस इज द नेशनल हाईवे 3 और हम जा रहे हैं मनाली से दिल्ली। वांग है 173, सरचू है 250 किलोमीटर, और सरचू तो हम पहुंच जाएंगे जल्दी ही। कारू 33, कारू में पेट्रोल पंप है, कारू से पेट्रोल भरवाएंगे, लास्ट पेट्रोल पंप है आई थिंक, उसके बाद सीधा मिलेगा जिस्पा में, कैन में भी भरवा लेंगे। बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है भाई बीजेपी का लद्दाख में, और ये है ले मनाली हाईवे, लेकिन इस पे दो रोड निकल जाते हैं, एक तो अपना पेंगोंग लेक के लिए कारू से कट जाता है, दूसरा उपसी से हल्ले, चुमाथांग, सुमरेरी, ये सब रास्ते निकल जाते हैं। ये सामने है शे पैलेस, यहाँ पे हमने भी विजिट किया था, पैलेस है अच्छा, ऊपर से व्यू अच्छा नज़र आता है। अभी शे हो गए 0, मनाली है 413 किलोमीटर, ये है शे पैलेस सामने, ये सामने 40 रुपये की टिकट है भाई इसकी। ये है कारू,
और यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, ये गया शक्ति और पेंगोंग लेक और ये गया उपसी और मनाली। तो हम मनाली वाले रूट पे आ गए हैं और उपसी यहाँ से होगा 10-12 किलोमीटर और। उपसी में चेक पोस्ट है, वहाँ पे एंट्री करानी है, फिर कुछ खाते पीते हैं, फिर निकलेंगे। तो गाइस हम पहुँच गए हैं उपसी में छोरे कैफे। कुछ खा लेते हैं ना, भूख लग रही है मेरे को। तो कहाँ वहाँ पे है, ये गवर्नमेंट का है ना ये। सर क्या है खाने का? डोसा मिल जाएगा सर। डोसा मिल जाएगा, समोसे है। एक डोसा तूने? डोसा सैंडविच समोसे। मैं डोसा ले रहा, डोसा दो डोसा और समोसे है। उपसी का मेन चौराहा तिराहा है, लोमा नयोमा चुमाथांग हनले ये सब हमने कवर कर लिया है। अब जा रहे हैं मनाली चंडीगढ़ सरचू तेंगलिंगला 51। तो लेफ्ट से जाएंगे तो मनाली वाले रूट पे पहुंच जाएंगे पंजाब। उपसी पुल है ये, बहुत टाइम बाद क्रॉस कर रहा है उपसी सेतु ब्रिज। और ये बर्फ शुरू हो गई है, देखो स्नो कितनी स्नो है, पहाड़ पे पूरा ग्लेशियर नीचे तक आया हुआ, बहुत स्नो है। इस बार तो स्नो ही स्नो देख रहे हैं पहले दिन से ही। यहाँ पे भी स्नोफॉल हो रही है धीरे धीरे, भाई की अटक गई लग रहा है बाइक। हम हैं तेंगलिंगला टॉप पे 17,482 फीट। फोटो करा देते हैं भैया। तो ये है तेंगलिंगला पास, 11th हाईएस्ट पास ऑफ द वर्ल्ड। अब जब नीचे उतर रहे हैं, ये ट्रकों ने तो ऐसी तैसी कर रखी है, जितने भी ट्रक है रास्ते ख़राब करते हैं, ओवरलोडेड ट्रक होते हैं। अभी भी ट्रक आ रहे हैं और रास्ता तो पांग यहाँ से 45 किलोमीटर रह गया। पांग से फिर नीचे उतर जाएंगे और हेयर पिन बैंड आएंगे पांग में तो बहुत सारे। ऐसा हवा इतनी तेज है कि पूरा थ्रोटल खोल रखा है लेकिन 70-80 से ऊपर नहीं जा रही, इतनी तेज हवा है। ऑपोजिट हवा है और पूरी ऑपोजिट। और ये व्यू देखो यार, मोर प्लेन्स के सामने व्यू, जैसे ही तेंगलिंगला से नीचे उतरे पूरा प्लेन शुरू हो गया है। सरचू 92, 3 घंटे में हमें 92 कवर करना है। ऐसी रोड हो तो हम 1.5 घंटे भी कर लेंगे। 4-5 किलोमीटर बहुत ही खराब रोड है, अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है और पूरा धूल मिट्टी। और पांग से हम नीचे पांग की तरफ जा रहे हैं नीचे उतरते हुए। ये पिन बैंड्स हैं ये, यहाँ तो ठीक है लेकिन रोड का काम चल ही रहा है। ये देखो पता नहीं चल रहा रोड कहाँ है, धूल मिट्टी। और इसके बाद आएगा सरचू 5 बजे से पहले निकलना पड़ेगा, 2 से 5 ये अलाउ कर रहे हैं। तो रोड बड़ी खराब है यार, और एक जगह तो स्लिप भी कर गई बच गई गिरते गिरते। और ये पांग है, यहाँ पे रहने की भी जगह मिल जाएगी, होम स्टे भी है, रेस्टोरेंट भी है। 15,280 फीट पे है ये पांग।
15,280। 5 किलोमीटर पहले और कंटिन्यू 10-15 किलोमीटर हो गए। रोड का हाल ये है और ये 2021 में भी रोड बन रही थी और आज भी बन रही है, 24 में भी। मुझे लग रहा 2-4 साल और लगेंगे इसको बनने में। फोटोग्राफी हो रही है और ये फ्रोजन है वाटरफॉल। रोड का हालत तो बहुत ही खराब है। UP-16 जाम लगा हुआ है जिसको हमने क्रॉस करके आए हैं। भाई साहब पूरा नरक रास्ता है, पूरा नरक, पूरा मिट्टी मिट्टी, धूल मिट्टी खा खा के अब कोई पास चढ़ रहे हैं हम। इस माउंटेन से उतर के वो परली वाली माउंटेन पे जाना है। ए, 2 पास और आएंगे, एक 12 लाचला पास आएगा, एक पास हो रहे हैं। टोटल 4 माउंटेन पास आते हैं इस रूट पे। लेकिन भाई 2 साल तक कोई भी बाइकर इस रूट पे ना आए, बहुत लग जाएगी पूरी। मैं तो किसी को एडवाइस नहीं करूँगा इस रूट से आए। थोड़ा बैठते हैं 5 मिनट है, थोड़ा हाथ सीधा कर लें। साढ़े 3 बजे 1.5 घंटा 50 किलोमीटर। हाँ 5 के पहले सरचू क्रॉस कर जाएं, जिस पर रुक जाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था, सुसु ब्रेक, और अब चल पड़े हैं ऊपर जाना है। अब रोड तो भाई नानी याद दिला दी इस रोड ने, तो कहाँ तक है ये भी नहीं पता। कहीं तो अच्छी रोड दिखा दे। 50 किलोमीटर है सरचू और 1.5 आवर, 1.5 घंटे के करीब पड़ा है 5 बजे में। बाप रे, क्या है ये नरक रोड है, क्या है नरक है। नकीला पास है ये, तीसरा पास हमने क्रॉस कर लिया, नकीला पास जो 15,547 फीट पे है। टेंगलेंगला, लाचुंगला, नकीला, पता नहीं नाम भी कैसे कैसे हैं। रोड की हालत देख लो, बुरा हाल कर रखा ट्रकों ने, ऐसी तैसी कर दी है पूरी। वंस अगेन जाम लग गया है और ये पता नहीं कितनी देर का जाम लगेगा। 1/2 घंटा तो हो गया है, पहले भी 1/2 आवर हम जाम में फंस के आए हैं। आज ही ये 2 वे शुरू हुआ है ट्रैफिक, 1 वे ही कामयाब है इस रूट पे, 2 वे तो नहीं कामयाब। जाम लगे ही लगे हैं डेली, 5 बजे तक तो नहीं पहुंच पाएंगे इस हिसाब से, तो 5 तो यहीं बच जाएंगे सरचू के लिए। पूरा 1/2 घंटे से ज़्यादा लग गया हमें जाम में निकलते हुए। सरचू अभी भी 35, लेकिन समय बचा नहीं है, 48 हो गए हैं। 22 मिनट में तो नहीं पहुंच पाएंगे, जाम बहुत है यहाँ पे। तो गाटा लूप शुरू हो गई है, आप पिन बैंड्स आएंगे और कंटिन्यू हम नीचे जाएंगे, फिर आएगी स्टेट रोड और फिर सीधा पहुंच जाएंगे सरचू। Oh,
तो गाइस हम पहुंच गए हैं सरचू, 5:28, हम लेट हो गए ड्यू टू दो जगह जाम मिला, हमें जाम में फंस गए दो बार इस वजह से, नहीं तो हम तो आधा एक घंटा कम से कम पहले आते। नया पुल बन रहा है, नीचे भी पुल है, पुराना पुल है। वाह दीपक, वेलकम यू दीपक ताल। तो आगे है दीपक ताल, वाटर क्रॉसिंग है, निकल जाएगी। बारह ला चला पास, यहाँ से 33 किलोमीटर है, और उसको क्रॉस करके फिर तो हम फ्री हो जाएंगे, क्योंकि एक खरदुंगला ने हमें परेशान किया हुआ था, एक बारह ला चला ने परेशान किया हुआ था, और ये बहुत सारे यहाँ पे होम स्टेज बन गए हैं सचू में, होम स्टे नहीं है, सारी कैंपिंग साइट्स बन गई हैं। मनाली 158, अटल टनल रोहतांग 125, किलोंग 87, बारह ला चला 14 किलोमीटर है, और ये अल्टरनेट रूट निकाला है। तो गाइस मैं पहुंच गया हूं बारह लाचा पास पे, ये देखिए स्नो मेरे पीछे, पूरी स्नो है चारों तरफ, पीछे है बारह लाचा टॉप, अब हम है बारह लाचा टॉप, और ये चारों तरफ का व्यू देखिए, बर्फ की चादर, स्नो ही स्नो चारों तरफ, इसलिए रास्ता बंद हो जाता है बारह लाचा का, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा स्नो होती है। बस चलते हैं यार, बहुत ठंड लग रही है यहाँ। तो ये बोर्ड आ गया है बारह लाचा का, पीछे भी मेन बारह लाचा था। ताल ये मेरे लेफ्ट हैंड पे, ये कैप्टन सूरज जो आर्मी में थे, आई थिंक कुछ कैजुअलिटी हो गई थी जिसके नाम पे सूरज ताल रखा गया है, ये है सूरज ताल, फ्रोजन सूरज ताल, सब कुछ जमा हुआ है, पहली बार देख रहे हैं हम सब जमा। तो ये देखिए वाटर क्रॉसिंग मिली है बहुत टाइम बाद, बहुत ही बड़ी वाटर क्रॉसिंग है जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं। तो हमें ज़्यादातर वाटर क्रॉसिंग नहीं मिली है, लेकिन अभी शाम का समय हो गया है और आइस बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही होगी, क्योंकि दोपहर और शाम के टाइम काफ़ी आइस मेल्ट होती है, और चारों तरफ का व्यू देखिए पूरे आइसी माउंटेन्स हैं चारों तरफ, इतनी आइस तो मैंने 19,000 फीट पे भी नहीं देखी है जितनी ये लगभग 16,000 फीट पे आपको बारह लाचला पास पे मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा स्नो होती है यहाँ पे, एक यहाँ पे एक जोजिला पास पे, ये दो पास हमेशा ले जाने के लिए मतलब कि मेन आपको कॉरिडोर हैं ये ले में एंट्री के, और लेकिन ये दोनों ही बंद हो जाते हैं सर्दियों में ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। 2018 में जब मैं जिंगजिंग विवार क्रॉस कर रहा था तो इतनी खतरनाक वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस किया था हमने, पूरा आधा घंटा लग गया था एक वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस करने में जिंगजिंग विवार वाली में। तो गाइस 6:30 PM हो गया है शाम का, और लगभग हम बारह लाचा से उतर गए हैं और जा रहे हैं जिस्पा की ओर, और आज का स्टे हमारा होने वाले हैं जिस्पा में, अगर वहाँ पे अच्छा होम स्टे मिल गया तो जिस्पा में रुकेंगे, नहीं तो फिर आगे निकल जाएंगे किलोंग के लिए, जो जिस्पा से लगभग 20-22 किलोमीटर के बाद किलोंग आता है, हम जितना मनाली के पास पहुँचेंगे उतना ही कल हमें कम राइड करनी पड़ेगी। तो आज की राइड बहुत ही सक्सेसफुल रही और बहुत ही लॉन्ग राइड थी, हम चले थे नुब्रा वैली से, और सबसे पहले हमने खारदुंगला पार किया, फिर तेंगलैंगला पार किया, लाचुंगला पार किया, निमिका ला पास पार किया, बारह लाचला पास पार किया, मतलब कि 4-5 माउंटेन हमने क्रॉस करके आए हैं,
और अब पहुंच रहे हैं जिसपा में जगह मिल गई तो ठीक, नहीं तो फिर रुकेंगे शिलोंग। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करना, और कोई भी मेरा नया व्यूर्स है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो एट लास्ट गाइस हम पहुंच गए हैं जिसपा। ये आप सामने बोर्ड देख रहे हैं, ये सीधा निकल जाता है शिंगला पास को। अगर हम यू टर्न करके लेफ्ट में जाएंगे तो हम जिसपा किलोंग नाली की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पे चेक पोस्ट है और यहाँ पे हमें एंट्री करानी पड़ेगी आई थिंक, अगर रोकेंगे तो देखते हैं। रोक दिया है। तो गाइस अभी तक के आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं एक कमेंट करो, और आप लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को जो भी लद्दाख जाना चाहते हैं। मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई है, पूरा रास्ते की इंफॉर्मेशन दी है। और ये मैं एक और बता देता हूँ कि मनाली ले हाईवे बहुत ही गंदा हाईवे है इस समय, टिल पांग तक तो इतना गंदा है कि आपकी हालत ख़राब कर देगा बाइकर्स को स्पेशली। तो बड़ा ध्यान से चलें, इसको अवॉइड करें। श्रीनगर ले हाईवे मस्त है, बेस्ट है इस समय करंटली। तो गाइस रात को हम यहाँ पे पहुँच गए थे किलोंग में 9 बजे, और जो अमित भाई जो हमारे साथ थे ग्रुप में वो पहुँचे हैं रात को 12 बजे। हमारा थोड़ा मिस कम्युनिकेशन हो गया था, तो भाई सरचू में हमारा 1.5 घंटा वेट किया लेकिन हमारा नेटवर्क नहीं मिला और हम आगे निकल गए थे। ये फंस गए थे जाम में जिसपा में, सोचा था जिसपा में भाई मुंह फाड़ के पैसे मांग रहे हैं क्योंकि सीजन चल रहा है, बात भी ढंग से नहीं कर रहे। तो हम किलोंग आ गए और नीचे ये बस स्टैंड है, यहाँ पे बहुत सस्ते आपको होमस्टे होटल वगैरह मिल जाएंगे, बार्गेन करोगे बहुत सस्ता मिल जाएगा। अगर आपको ये ब्लॉग मेरे अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करो भाई, कमेंट नहीं आ रहे आपके बिल्कुल भी, और शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ जो प्लानिंग कर रहा है लद्दाख की। और कोई भी नया व्यूअर्स है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अंत में दोस्तों राइड हार्ड राइड से, वंदे मातरम, जय हिंद, सायोनारा।